ओ ऐका ना, ये तलावा ना सलाई, ये तलावा ना सलाई साहेब, ये तलावा ना ऐका ना थोड़ी, ये तलावा ना तुम्हें, ये तलावा की तुम्हें नको मतलब ना, तुम्हें ये तलावा की ये तलावा। उपवास के बाद भगवान महाराज कोकरेन की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती उठाया और एम्बुलेंस में इलाज के लिए ले गए। बता दें कि 8 दिन से आलंदी में इंद्रायणी नदी के ऊपर कोकरेन महाराज ने उपवास पर बैठे थे, जहां पुलिस उन्हें वहां से जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि भगवान महाराज कोकरेन डी नवम्बर से विशाल राष्ट्रीय कल्याण समुदाय पीपल्स मूवमेंट ने भूख हड़ताल शुरू की। आज उनके अनशन का 8वां दिन था। 8वें दिन उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। बताया गया है कि उनका शुगर लो हो गया था, जिसके चलते उनकी बीपी हाई हो गई। उनकी हालत देखकर पुलिस प्रशासन ने एम्बुलेंस बुलाई। भगवान महाराज कोकरे ने यह कहते हुए इलाज से इनकार कर दिया कि मैं अपना आंदोलन नहीं छोड़ूंगा। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें जबरन उठाया और इलाज के लिए एम्बुलेंस में ले गए। आज उन्होंने स्टैंड लिया कि समान नागरिक संहिता, इंद्रायणी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने, किसानों के माल की गारंटी जैसी विभिन्न मांगे माने जाने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन कोकरे महाराज के सेहत को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सीधे उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। वहां से उन्हें इलाज के लिए पिंपरी आलंदी के YCM अस्पताल में भर्ती कराया गया। आम्ही सरकारला इशारा म्हणजे आंदोलन पहिल्यांदा सरकारच्या विरोधात नाही किंवा समाजाच्या विरोधात नाही, हा महाराष्ट्र पेटलेला कुठेतरी शांत व्हावा, सगळ्या जाती गुणागोविंदाने एका ठिकाणी नादावे म्हणून आमची एक मागणी आहे की जातीवरचं आरक्षण म्हणजे जातच पूर्ण हटवून, जाती अस्पृश्यताच पूर्ण हटवून आर्थिक निकषावर आरक्षण करण्यात यावं। त्याचबरोबर शेतकऱ्याच्या मालाला हमी भाव आहे, समान नागरी कायदा आहे, ही इंद्रायणी माता जो आज गटारखाना झाला ही पूर्णपणे शुद्ध आणि स्वच्छ पिण्यासारखं पाणी शुद्ध असावं। बालयोगी सदानंद बाबांचा आश्रम तोडून जे वारकरी संप्रदायाचं नाक कापण्याचा प्रयत्न झाला आहे किंवा काही अनावधानाने झालं असेल, पण कुठलाही आकस न ठेवता ह्या मागण्या सरकारने पूर्ण केल्याशिवाय हे आंदोलन आमचं सुटणार नाही। 9 तारखेला संपूर्ण वारकरी संप्रदाय परत या ठिकाणी येऊन या आंदोलनाला कशा तऱ्हेने पुढे नेता येईल याचा निर्णय घेतील। आम्ही जरी या ठिकाणी उपोषणाला बसलो असेल तरी वारकरी संप्रदायातल्या प्रमुख मंडळी ज्या आहेत त्या पुढची भूमिका ठरवतात, कारण ते हायकमांड आहेत। फाइट्स अगेन्स्ट क्रिमिनल डेली न्यूजपेपर पढ़ते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही और FSA की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि FSA की न्यूज आप तक पहले पहुंच सके।